अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे कई बार ये रिक्वेस्ट किया है कि शाहरुख भाई कोई ऐसा चार्जर बता दो जो क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करे। क्योंकि जब रेडमी नोट 7 प्रो आया था या पोको एफोन आया था तो उसमें ये कहा गया था कि ये क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए कभी भी कोई भी चार्जर नहीं लाया गया। शाओमी का एक 27 वाट का चार्जर भी लाया गया, लेकिन वो भी क्विक चार्ज 3.0 पे ही काम करता है दोस्तों, 4.0 पे काम नहीं करता है। तो ऐसे में हमने कई बार दोस्तों कई सारे चार्जर को टेस्ट करने की कोशिश की। हालांकि जो इंडियन वेबसाइट्स पे चार्जर मौजूद है दोस्तों, वो उतने ज्यादा बेहतरीन चार्जर्स नहीं है और खास करके QC 4.0 वाला चार्जर तो अवेलेबल ही नहीं है। और अगर इंटरनेशनल वेबसाइट्स की भी बात कर ले तो बहुत ही कम ऐसे चार्जर है जो कि क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट करे। तो फाइनली दोस्तों हमारे फेवरेट ब्रांड ब्लिट्जुल्फ की तरफ से हमें यह प्रोडक्ट मिला जो कि है BWS12, और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0 को, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4+ को। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी नया डिवाइस है स्नैपड्रैगन 855 के साथ, 865 के साथ, 730G के साथ, या फिर दोस्तों जिसमें क्विक चार्ज 4.0 सपोर्टेड है, तो उसके लिए ये चार्जर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। तो मैंने इसका टेस्टिंग किया दोस्तों रेडमी नोट 7 प्रो में भी, पोको F1 में भी, और उसकी रिजल्ट आ चुकी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये चार्जर कैसा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एक 27 वाट का चार्जर है। तो जो बॉक्स पैक है वो बिल्कुल ही व्हाइट कलर का सिंबल सा है और पीछे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि QC 4+ को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर पे भी काम करता है, 9 वोल्ट 3 एम्पियर पे भी काम करता है, 12 वोल्ट 2.25 एम्पियर पे भी काम करता है, 20 वोल्ट 1.35 एम्पियर पे भी काम करता है। ये काफ़ी सही चीज़ है। लेकिन एक और ख़ास बात क्या है, तो ये USB PD है, यानी कि ये पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। तो इसके लिए आपको एक अलग से केबल भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉक्स कंटेंट की बात कर ले तो आपको बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चार्जर मिलता है, एक यूजर मैनुअल मिलता है और एक वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये जो अडेप्टर है बस आपको यही मिलता है इसके बॉक्स में, इसके साथ आपको कोई भी केबल नहीं मिलता है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर ले प्राइसिंग के मामले में, सबसे पहले प्राइसिंग पे ही आ जाता हूं, तो ये जो प्राइसिंग है दोस्तों लगभग आपको 1500 रुपये में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, QC 4+ है तो थोड़ा महंगा तो होगा, लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड को लगाते हैं तो उसमें आपको जो है 1100 रुपये में ये चार्जर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 1500 रुपये में लेते हैं तो आपको इसके साथ एक केबल भी फ्री दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप चेकआउट पेज पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अभी ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, जिसमें एक 5 एम्पियर का केबल आपको इसके साथ फ्री दिया जाएगा जो कि USB C PD केबल होगा। तो अगर आप उसके साथ लेते हैं तो कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा, अगर आप उससे हटाते हैं तब आप कूपन कोड अप्लाई करके 1100 में ले सकते हैं। तो जिनके पास वायर नहीं है वो ले सकते हैं 1400 रुपये में इसके ऑफर के साथ दोस्तों, USB केबल के साथ, लेकिन जिनके पास केबल है वो केबल को हटा के 1100 रुपये में कूपन कोड लगा के ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो एडिट करते करते मैंने ये देखा कि मेरा जो कूपन कोड है वो अभी केबल के साथ भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि 1144 रुपये में आपको ये चार्जर और केबल भी साथ में मिल जाएगा जो कि 5 एम्पियर का केबल है। अब मुझे पता नहीं कि ये ऑफर कब तक रहने वाला है, क्योंकि एक घंटे पहले जब मैं इसे अप्लाई कर रहा था तो मुझे केबल हटाना पड़ रहा था तब कूपन कोड अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी ये केबल के साथ अप्लाई हो रहा है कूपन कोड। तो अगर आपको लेना होगा तो जितनी जल्दी हो सके ले ले, वरना ये ऑफर खत्म हो तो फिर आपको केबल नहीं मिलेगा और 1100 में सिर्फ सिर्फ अडेप्टर लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा है और मेरा जो टेस्ट का रिजल्ट है वो कैसा आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी हल्का है दोस्तों, बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, और हमारा ये इंडियन प्लग मिल जाता है दोस्तों जो कि प्लग होता है जो कि काफी अच्छे से काम करता है। साइड में दोस्तों आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस आउटपुट इनपुट लिखे हुए हैं और यहां पे दोस्तों पीछे के साइड में आपको यहां पे USB C पोर्ट मिल जाता है, तो दोनों ही साइड सी पोर्ट लगेगा, यानी कि इसमें भी सी पोर्ट लगेगा, आपके फोन में भी सी पोर्ट लगेगा, और जैसे ही हम लोग इसे लगाएंगे तो काफी अच्छे से फिट हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने रेडमी नोट 7 प्रो में टेस्ट किया चार्जिंग करके, और यहां पर आप टेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज हुआ दोस्तों। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने रेडमी नोट 7 प्रो का लगातार स्क्रीन ऑन रखा और स्क्रीन को ऑन रख के ही चार्ज किया दोस्तों कि कितना फास्ट चार्ज होता है। तो लगभग दोस्तों 60 मिनट में यानी कि एक घंटे में 90% चार्ज हो गया, मतलब एक घंटे में आपको 90% हो गया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्विक चार्ज 4.0 का या किसी भी क्विक चार्ज का दोस्तों ये आदत है कि 90% के बाद सुपर स्लो हो जाता है, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 1 घंटा 35 मिनट, यानी कि लगभग दोस्तों 85 मिनट में, 85 नहीं लगभग 95 मिनट में हुआ आपका फुल चार्ज।
हालांकि 90% तक यह सुपर स्पीड से हुआ, अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जो कितना स्पीड से हुआ तो मैंने एम्पियर एप्लीकेशन से कैलकुलेट किया, तो लगभग दोस्तों 3000 mAh के स्पीड से यह लगातार हो रहा था। लेकिन 70% के बाद थोड़ा सा डाउन हो गया, 2500 mAh हुआ, और 80% होने के बाद दोस्तों 2000 mAh, और 90% होने के बाद तो भाई ये बिल्कुल नीचे आ गया, बिकॉज क्विक चार्ज वैसे ही काम करता है। तो ओवरऑल बहुत ही फास्ट तरीके से इसने Redmi Note 7 Pro को चार्ज किया। सेम कंडीशन रहा दोस्तों हमारे पोको F1 में, पोको F1 में भी आपको लगभग 70 मिनट लग गए 90% करने में। जी हाँ दोस्तों, Note 7 Pro का जो क्विक चार्ज है वो ज्यादा अच्छे से काम किया, वो 60 मिनट में 90% हुआ, लेकिन पोको F1 दोस्तों 70 मिनट लगे 90% चार्ज करने में। तो ओवरऑल अगर आपको 0 से 90% का स्पीड देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, कमाल का है, जो कि मैं कहूंगा कि जी हाँ ये चार्जर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और मैं लगातार इसी चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ चार्ज करने के लिए, और इससे बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमारा कोई भी डिवाइस चार्ज हो रहा है। तो क्या आपको ये बाय करना चाहिए? देखिए, अगर आप प्राइस वाइज मुझसे पूछेंगे तो प्राइस मुझे लगता है कि ओवरऑल ठीक ठाक है, बिकॉज दोस्तों इस प्राइस में या फिर इसके ऊपर प्राइस में भी QC4 Plus अवेलेबल ही नहीं है कहीं और, और अगर अवेलेबल भी है तो पता नहीं रिलायबल नहीं है, काम करेगा नहीं करेगा। जैसे कि 999 रुपये में हमने Xiaomi का 27 वाट का चार्जर लिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 वाट से चार्ज करता है दोस्तों, और वो उतना फास्ट चार्ज नहीं कर पाता जितना फास्ट ये करता है। तो मैं कहूँगा कि उससे अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे अच्छा एक PD आप चार्जर लीजिए, जो कि ज़्यादा अच्छा ज़्यादा आपको पावर डिलीवरी देगा। और अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसा डिवाइस लेते हैं जिसमें ज़्यादा अच्छी क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे, तो ये जो है काफ़ी अच्छे से काम करेगा आपके लिए। बाकी के लिए दोस्तों ओवरऑल ये चार्जर काफ़ी अच्छा है। हाँ, प्राइस अगर बाद में कम होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी, बट 1100 रुपये में आप अभी भी ले सकते हैं, और 1400 रुपये में केबल के साथ आप अभी भी ले सकते हैं। तो लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और फाइनल बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी नहीं भाई, बिल्कुल हीट नहीं हुआ ये चार्जर, सच बता रहा हूँ। हालांकि अभी ठंडी का समय है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का हीटिंग पता नहीं चला इस चार्जर से किसी भी डिवाइस को चार्ज करते हुए। थैंक यू दोस्तों, बाय। सॉरी गाइज, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि एक केबल भी मैं छोटा सा शाउट आउट देना चाहूँगा। तो ये जो केबल है दोस्तों ब्लिट्ज़वुल्फ के BW-AC2 इसे कहते हैं, और ये केबल एक माइक्रो USB पोर्ट वाला केबल है। हालांकि इस चार्जर के साथ ये कंपैटिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पुराना फ़ोन है, चाहे वो Redmi Note 5 Pro हो या Redmi Note 6 Pro हो या फिर दोस्तों उससे पुराना Redmi Note 4 हो, तो ये केबल बहुत ही अच्छे से काम करता है दोस्तों। सबसे खास बात ये है कि ये केबल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और इस केबल से आप बहुत ही दूर तक चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपका पूरा दो हाथ लंबा है। तो टोटल इसकी लंबाई है ये 1.8 मीटर है, तो अगर आप नॉर्मल केबल से इसे कंपेयर करेंगे तो ये उससे भी बहुत ज्यादा लंबा है दोस्तों। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें जो L शेप का कनेक्टर दिया गया है वो दोनों ही साइड दिया गया है, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, और जो वायर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों। तो L शेप का होने की वजह से ये जल्दी खराब भी नहीं होगा, और आप इससे माइक्रो USB वाले डिवाइस को काफी अच्छे से चार्ज कर पाएंगे। इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो 1.2 मीटर में भी आता है, 1.8 मीटर में भी आता है, तो 1.2 मीटर वाले का लगभग 400 रुपए है और 1.8 मीटर वाले का लगभग 600 रुपए है। लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड से लेते हैं तो 1.2 मीटर वाला लगभग 300 में मिल जाएगा, और 1.8 मीटर वाला आपको जो है कितना 400 रुपए में। तो आप ये बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और दोस्तों इसका जो सपोर्ट है वो है 2.4 एम्पीयर सपोर्टेड, तो मेरा जो Redmi Note 4 है वो पूरा का पूरा 2.4 एम्पीयर से बहुत ही फास्ट इस चार्जिंग केबल से चार्ज होता है। तो मैं कहूंगा कि आपको इसे जरूर बाई करना चाहिए अगर आपको कोई अच्छा ड्यूरेबल जो है माइक्रो USB पोर्ट वाला केबल चाहिए। तो गाइज, आज का हमारा ये वीडियो था, शुक्रिया। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया आपको तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद। इसका नाम है ब्लिट्ज़वुल्फ BW-AC2, ये सिर्फ और सिर्फ पर शायद ही कोई ऐसा चार्जर मौजूद है जो QC होता है, QC4 या